ओके सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन बेसिक कंट्रोलर ऑफ व्यू व्हिच नेम इज़ स्विच बटन तो एज़ लाइक द एंड्रॉइड स्टूडियो आईओएस के अंदर या आईफोन डेवलपमेंट के अंदर भी हमारे पास स्विच बटन मौजूद है uh, जिसको हम प्रोफेशनली अपने एप्लीकेशन में इन फ्यूचर इस्तेमाल कर पाएंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि स्विफ्ट लॉजिक uh, को इस्तेमाल करते हुए मैं स्विच बटन को किस तरह से एड करवा सकता हूँ और उसे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उस पर वर्किंग Uh, कर सकते हैं लिहाजा प्रीवियस सेशन के अंदर जो जहाँ पर हमने लेबल या बटन पे काम किया था वही एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मौजूद है और इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के uh, मैं सबसे पहले अपने वर्चुअल मशीन को मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ तो इस वक्त मैं इस एरिया से कुछ एंटरप्राइस लिए कर रहा हूँ ताकि मैं सेपरेटली काम यहाँ पर दिखा पाऊँ जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ तो कुछ मैंने एंटरप्राइज कर लिया और उसके बाद इस बटन को हम टॉप पर ले जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने कंट्रोलर वाले एरिया पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा एस डब्ल्यू तो आप देख रहे हो जैसे मैंने प्रास किया तो स्विच आ चुका है यहाँ पर और मैंने उसे ड्रैग कर लिया यहाँ पर तो ड्रैग होने के बाद कॉर्नर पे मौजूद है हम यहाँ पर उसे ड्रैग करके सेंटर पे ले आते हैं इसके साथ हमें एक लेबल लूँगा तो मैंने एल ए प्रास किया और लेबल ले आया ठीक है और बटन एक्शन मेथड हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं लिहाजा इस में लेबल के साथ साथ यानी एक काम मैं स्विच बटन से रीड करवाऊँगा और साथ ही साथ बटन से भी रीड करवाऊँगा तो मैंने बटन भी ड्रॉप कर लिया ठीक है तो बटन को सबसे पहले मैं इनेबल करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दर्थ ऑन हाइट और इसी तरह से मैं लेबल को भी कर लेता हूँ ठीक है तो दोनों चीज़ें होंगे लेबल पे सबसे पहले जो टैक्स लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से डिस्प्ले से हटाऊंगा और इसके टैक्स साइज को इस ऑप्शन से मैं 25 कर देता हूँ एंड डन इसके बाद बटन है हमारे पास तो मैं बटन के टैक्स को रिप्लेस कर देता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग स्विच बटन ठीक है ताकि प्रॉपरली हमें पता चले कि ये बटन हमने स्विच के लिए रिजर्व कर रखा है साइज़ मैंने ट्वेंटी कर दिया इसको दैट्स इट कुछ स्पेस कर लेते हैं लेबल पर क्योंकि मुझे इनेबल या डिसेबल डिस्प्ले करवाना है कि इस वक्त जो मैं अपने स्विच बटन पर क्लिक करके उसको इनेबल या डिसेबल कर रहा हूँगा तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यही वजह है कि मैंने उसकी बर्थ और राइट को थोड़ा सा बढ़ा लिया है ओके अब काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अपने स्विच बटन का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ताकि इन फ्यूचर उसका इस्तेमाल किया जा सके तो ये रहा हमारा स्विच बटन मैंने राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग किया इस तरफ और इसका नाम रख दिया मैंने यू आई स्विच एंड देन प्रेस एंटर ठीक है उसके बाद आ, लेबल है हमारे पास मैं लेबल को ड्रॉप करूँगा ठीक है एज लाइक अ वेरिएबल और इसका नाम रख दिया मैंने स्विच एल बी एल एंड प्रेस एंटर उसके बाद हमारे पास बटन है तो बटन का मुझे क्लिक इवेंट बनाना है तो मैंने इसको ड्रॉप किया ड्रॉप करने के बाद आउटलेट से मैं एक्शन लूँगा और मैंने इसका नाम रख दिया स्विच एक्शन बी टी एन कोई भी मीनिंगफुल आप नाम रख सकते हो और उसके बाद मैंने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया तो इस वक्त तीनों वेरिएबल्स या तीनों व्यूज़ जो मैंने ऐड करवाए थे दो के मैंने लोकल वेरिएबल बनाए जबकि थर्ड बटन का हमने एक एक्शन मैथड यहाँ पर क्रिएट कर लिया है ओके okay, तो अब हमें क्या करना है कि जब हमारा स्विच बटन ऑन होगा तो हम अपने लेबल पर एक टेक्स्ट विजिबल करवाएंगे और उसके बाद अपने स्विच बटन को सेट कर देंगे एनिमेशन उसकी ट्रू या फॉल्स करेंगे और एल्स के अंदर जब वो ऑफ होगा तो हम उसे ऑन करवा लेंगे और उसके एनिमेशन को फॉल्स से ट्रू कर लेंगे तो लिहाजा इसके लिए आ, मैं अपने इफ़ कंडीशन को कॉल करता हूँ और मैंने कहा इफ़ यू स्विच ठीक है जो हमारे स्विच uh, बटन का नाम है अगर वो हमारे पास इज़ ऑन स्टेट पर है ठीक है ये बोल स्टेट होता है क्योंकि वो या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है तो हम यहाँ पर एक कंडीशन क्राइटेरिया बताएंगे और इसी तरह से एल्स में बताएंगे। तो मैंने कहा कि अगर स्विच बटन ऑन है तो जो हमारे पास लेबल है स्विच बटन जो हमने लिया हुआ है स्विच लेबल तो इसके टेक्स को हम विजुलाइज करवाएंगे, कुछ इस तरह से कि स्विच बटन ऑफ ठीक है यहाँ पर मैं ऑफ uh, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं इसको बाद में सेट करवा सकूँ अगर ये ऑन होगा तो ये लिखा आ जाएगा और उसके बाद हमने अपने एनिमेशन को तो मैंने यू आई स्विच दोबारा कॉल किया और इसको सेट कर दिया हमने और सेट पे हमने इसको किया फ़ॉल्स और जबकि एनिमेशन जो कि हमारा बुलियन है उसे मैंने कर दिया ट्रू ठीक है क्योंकि वो एनिमेट होता हुआ दिखता है हमें जब हम स्विच बटन को यूज़ कर रहे होते हैं अभी जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमें और प्रॉपर्ली ये बात समझ में आएगी दोनों लाइन को मैंने यहाँ से विंडो सी के साथ कॉपी किया और विंडो वी से पेस्ट किया जहाँ पर ऑफ लिखा था वहाँ पर मैंने ऑन किया जबकि जो फॉल्स था हमारा एनिमेशन इसको मैंने यहाँ पर कर दिया ट्रू दैट्स इट प्रोग्राम रन करेंगे और देखेंगे कि इस स्विच बटन के ज़रिए से बटन क्लिक पर लेबल पर क्या लिखा आ रहा है लेट्स सी मैंने प्रोग्राम रन किया पहले स्टॉप कर लेते हैं। इट्स नाउ अंडर प्रोसेस वेट करना होगा हमें ठीक है सिमुलेटर आ चुका है और ये बटन है हमारा मैंने इस वक्त ऑफ किया स्विच बटन ऑन किया तो यहां पर क्या लिखा आ गया ऑन ठीक है अभी ऑन मौजूद है दोबारा क्लिक किया ऑफ हो गया ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ऑफ स्टेट से क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑन पे जाकर हमें दिख रहा है और जब मैं ऑन स्टेट से उसे लेकर जा रहा हूँ तो वो ऑफ स्टेट पे जाकर हमें दिख रहा है जैसे कि तुम देख रहे हो मैं दोबारा क्लिक करता जा रहा हूँ बटन की क्लिक इवेंट से हमारा जो स्विच बटन है वो ऑन या फिर ऑफ हो रहा है पहला तरीका ये हो गया लेकिन प्रोफेशनली आप देखते हो कि ये सिर्फ बटन क्लिक पर नहीं होता बल्कि ये बाई इट भी क्लिक होता है एज लाइक दिस तो अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो बटन के क्लिक से कर रहे हैं वही काम हमारे स्विच बटन से डायरेक्टली हो तो डायरेक्टली करने के लिए प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने जब लेबलिंग लेबल label पर काम करवाया था तो वहाँ पर मैंने लेबल ट्रैप ऑप्शन बताया था आपको कि मैं लेबल का एक क्लिक इवेंट कैसे बना सकता हूँ बाय यूजिंग ट्रैप टेक्निक तो अब इसी तरह से हम क्या करेंगे अपने स्विच बटन यानी इस स्विच के लिए जिस तरह से बटन क्लिक इवेंट बनाए तो इसके लिए मैं एक सेपरेट मैथड बनाऊँगा और उस मैथड को लोड इवेंट पर कॉल करके ट्रैप टेक्निक इसके लिए क्रिएट कर लेंगे लिहाजा मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ तो एफ स्टेट चेंज के नाम से मैंने एक मैथड बनाया और उसमें कॉल किया मैंने स्विच स्टेट, ठीक है और स्विच स्टेट पर मैंने बता दिया यू आई स्विच दैट्स इट तो स्विच स्टेट हमने बता दिया और उसके बाद इसकी बॉडी बनेगी इट और बॉडी पे मैंने कहा कि अगर हमारा जो स्विच स्टेट है ठीक है तो विंडो सी के साथ मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैंने कहा कि अगर हमारा स्विच स्टेट विंडो वी और डॉट इज़ ऑन ठीक है स्विच स्टेट अगर हमारा ऑन है तो हमें यह करने की ज़रूरत है और अगर ऑन नहीं है तो हमें यह करने की ज़रूरत है दोनों स्टेट बताया मैंने और यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा कि जो स्विच लेबल है यानी जब मैं इसे ड्रैग करूँगा ऑन या ऑफ़ पे तो जिस तरह से अभी बटन क्लिक पे लेबल को हमने हैंडल किया है उसी लेबल को मैं इसके के आ, इसके स्टेट चेंज करने पर भी कॉल करूँगा तो मैंने कहा कि इसके टैक्स को वही कर दो जो यहाँ पर किया गया तो मैंने इस लाइन को ही कॉपी कर लिया विंडो सी के साथ और यहाँ पर पेज कर दिया और यहाँ पर क्योंकि हम इसे ऑन शो करवाना चाह रहे हैं कि जब मैं उसे ऑन करूँ तो ऑन हो जाए ऑफ़ करूँ तो ऑफ़ हो जाए तो यहाँ पर मैंने दूसरी पेज कर ली जो कि ऑफ़ लिखाएगा ठीक है तो जिस तरह से लेबल के फंक्शन को बता बनाने के बाद आपने लोड इवेंट पे कॉल किया था एज लाइक दिस टेक्निक ठीक है ये टेक्निक थी हमारी जो प्रीवियस टू तो प्रीवियस सेशन पे मैं बता चुका हूं तो मैंने इस कोड को यहां से किया विंडो सी के साथ कॉपी और इस जगह पर मैं पेश करूंगा टॉप पे कमेंट पर लिख दे रहा हूँ लाइन के दब्लो कोड यूज फॉर स्विच बटन टैप ठीक है टैप के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अब अब मुझे चेंज करने की क्या ज़रूरत है क्योंकि मैंने कोड डायरेक्टली यूज़ किया है यहाँ पर तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इस जगह पर इन पूरे कोड को यहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि वो गैस्टर रिकोगनाइज़र है तो मैंने यहाँ पर कॉल किया यू आई स्विच ठीक है डॉट एट टारगेट तो एट टारगेट ठीक है अब एट टारगेट के बाद यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं तो हम यहाँ से टारगेट हटा देंगे ब्रैकेट अपनी जगह रहेगा सेल्फ एक्शन सेलेक्टर और सेलेक्टर के बाद हम अपने मेथड का नाम या फंक्शन का नाम कॉल करेंगे जो मैंने बनाया हुआ है तो यहाँ पर फंक्शन का जो नाम आएगा वो ये आएगा तो मैंने विंडो सी के साथ कॉपी किया और इस जगह पर विंडो वी के साथ पेस्ट कर दिया और बाकी स्टेट के बाद हम यहाँ पर कॉल करेंगे कॉमा वैल्यू चेंज तो हमने लिखा वैल्यू चेंज और ब्रैकेट क्लोज किया हमने यहाँ पर दैट्स इट तो इस तरह से यू आई स्टेट यहाँ पर काम करेगी और अच्छा यहाँ पर फोर पर हमारे पास कॉलन डॉट वैल्यू चेंज दैट्स इट नाउ तो अब मैं अपने प्रोग्राम को यानी जो हमारा सिमुलेटर है वो एक्टिव स्टेट पर है तो मैंने उसको ऑफ़ किया और उसके बाद प्रोग्राम को दोबारा ऑफ़ किया और अब हम देखेंगे कि क्या जो काम स्विच बटन के क्लिक इवेंट पे हो रहा था अब वो क्या हमारे स्विच बटन के ड्रैग करने पर भी हो रहा है या नहीं राइट सी तो हेरस तो आप देख रहे हो कि जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो ऑन लिखा आ रहा है ऑफ़ कर रहा हूँ तो ऑफ़ कर लिखा आ रहा है और बिल्कुल वही काम जो हमने पहले किया था कि मैं अपने बटन क्लिक पर अपने स्विच बटन को ऑन या फिर ऑफ़ कर सकता हूँ तो आप देख रहे हो जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो स्विच बटन ऑन लिखा आ रहा है और जब मैं ऑफ़ कर रहा हूँ तो ऑफ लिखा आ रहा है तो इस तरह से सक्सेसफुली हमने दोनों टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल की कि हम आई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर स्विच बटन को बाय यूजिंग क्लिक इवेंट किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और अगर मैं सिंपल पुश बटन के ज़रिए से उसे इनेबल करना चाहूँ तो किस तरह से किया जा सकता है